हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी फ्री फायर स्टार्ट करने पे लॉगिन एरर आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्री फायर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं फ्री फायर। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करते हैं और किस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमें आता है। तो यहाँ पे हमारा फ्री फायर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड फेल्ड रीट्राई का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हमारा फ्री फायर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसे कट करते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये दो तीन कारणों की वजह से आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आपका जो फ़ोन है उसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको जो है फ्री फायर को ओपन करके देखना है। फिर भी अगर आपको वही प्रॉब्लम दोबारा आ रहा है तो आपको अब क्या करना है, फ्री फायर पे आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, उसके बाद ऐप इन्फो पे जाना है। अब यहाँ पे आपको डाटा यूजेज स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, ये ऑन नहीं रहता है। हो सकता है आपने कभी ऑन कर दिया होगा या फिर ये ऑन हो गया होगा, तो यहाँ पे इसे आपको डिसेबल कर देना है दोनों को। तो यहाँ पे ये दोनों डिसेबल ही रहेगा, उसके बाद आपको जो है फ्री फायर को स्टार्ट करके देखना है। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो इसी कारण से नहीं स्टार्ट होता है। अब आपका जो फ्री फायर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक फाइनल सोल्यूशन है। आपको वापस इस पर क्लिक करना है, देन ऐप इन्फो पे जाएंगे, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लियर कैच करना है। ध्यान रखना है आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, इससे आपके गेम का डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्लियर कैच करना है, सिर्फ एक बार क्लियर कैच करेंगे और वापस से इसे काट देते हैं। और अब यहाँ पे हम फ्री फायर को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्री फायर है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री फायर स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से जो है आप अपने फ्री फायर के लॉगिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।